हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण है कि जो पिछले दो या तीन डिकेट्स में, दशक में या उससे भी अधिक में बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा MNC मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विश्व में उन लोकेशन को खोजा है जहां पर कि वो अपने प्रोडक्शन को सस्ते दाम पर कर सके। तो इसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इन कंट्री को एक तीव्र वृद्धि हुआ है, एक राइज हुआ है, और साथ ही विभिन्न देशों के बीच फॉरेन ट्रेड में भी रैपिडली राइज हुआ है, तीव्र वृद्धि हो रहा है। और जो फॉरेन ट्रेड है जिसको एक बहुत बड़ा हिस्सा को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, तो मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है फॉरेन ट्रेड को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फोर्ड मोटर्स की, तो फोर्ड मोटर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इंडिया में है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वह इंडिया के लिए ही कार को प्रोड्यूस करता है, बल्कि यह दूसरे डेवलपमेंट कंट्री में भी एक्सपोर्ट करता है और वर्ल्ड में अपने फैक्ट्रीज के लिए कार कंपोनेंट्स, जो कार के कल पुर्जे हुए हैं, उसको भी एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह के ज़्यादातर MNC जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो गुड्स एंड सर्विस इसको ट्रेडर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और इसी तरीके से काम भी कर रहे हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट देखने को मिलता है कि अधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड अधिक ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड से विभिन्न देशों के मार्केट और प्रोडक्शन में इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। यानी कि प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा है और दूसरे कंट्री में वो जाके बिक रहा है। इस तरह से जो प्रोडक्शन का मार्केट है और कंज्यूमर का जो मार्केट है, जो एक दूसरे से इंटीग्रेट हो चुके हैं और लगभग सभी कंट्री में इस तरह से हुआ है। यानी कि जो प्रोडक्ट इंडिया में मिलेगा वह चाइना में भी मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, कनाडा में भी मिल सकता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भी मिलेगा, लगभग सेम ही रेट पर, सेम प्राइस रहेगा उसका। तो यह क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही एक कंट्री एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण ही एक देश दूसरे देश के नज़दीक आ रहे हैं और उनका मार्केट है जो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और वे एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो उसी का एक डिफिनेशन दिया है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को वैश्वीकरण कहा है या ग्लोबलाइजेशन कहा है। तो जो MNC जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में मेजर रोल निभा रहे हैं, मुख्य भूमिका में हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसके कारण क्या है, अधिक से अधिक गुड्स एंड सर्विस और इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान विभिन्न देशों के बीच हो रहा है। एक देश से दूसरे देश में भी टेक्नोलॉजी जा रहा है, सर्विस जा रहा है, गुड्स जा रहा है और भी उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे क्या है कि पिछले कुछ दशक
की तुलना में विश्व के जो अधिकांश रीजन हैं, अधिकांश क्षेत्र हैं, जो एक दूसरे के नज़दीक क्लोजर कॉन्टैक्ट में आए हैं, मानी दूसरे के अधिक बहुत ज़्यादा संपर्क में आ गए हैं, ठीक है। फिर गुड्स हो या सर्विस हो या इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अलावा भी विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम के रूप में है क्या कि लोगों को आवागमन से हो सकता है, मूवमेंट ऑफ पीपुल। अगर लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उससे भी एक दूसरे देशों के बीच में संपर्क हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। यानी एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो एक जगह के लोग दूसरे जगह के कल्चर को समझते हैं और वहाँ के लोगों की किस तरीके से रहते हैं इस चीज़ को भी समझते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कंट्री है जो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दो कंट्री है जो, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं किसके लिए, तो अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, इनकम हो और अच्छा जॉब हो, इसी के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया में कि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने के लिए कनाडा चले गए हैं या फिर अमेरिका चले गए हैं, तो किस लिए जाते हैं वो, इसका मेन रीज़न क्या है, कारण है कि उनको अच्छा से अच्छा जॉब चाहिए और अच्छा इनकम भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले इस तरह के मूवमेंट नहीं हुआ करता था, आदमी उतना नहीं जाता था जितना कि आज होता है। तो लोगों के मूवमेंट के में अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। तो इस कारण भी कंट्री है जो एक दूसरे के नज़दीक में आ सकते हैं, एक दूसरे के क्लोजर कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इस तरह से मेन भूमिका है दो देशों को मिलाने का, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को मिलाने का मेन रोल के रूप में रहता है क्या है, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में किसका हाथ होता है सबसे ज़्यादा मेन रोल है, वो मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है। ओके।